अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे व्यूअर्स। तो आज आपके लिए कुछ मोटिवेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी लोग जो है ना हेट कमेंट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि वो कुछ लोग बोलते कि भाई पहले अपना तो रिजल्ट सही कर लो, अपना तो बाल लिया होगा करके। तो भाई मेरे बालों से मतलब मत रखो, आपको मैं अवेयर करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मेरे साथ हो चुका है वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको अवेयर करता हूँ, ठीक है ना। ना तो बात इस न्यू हेयर लोशन की है और ना ही बात ये कैस्टर ऑयल की है, और ना ही ये मैं बेचता हूँ ना ही ये मैं बेचता हूँ, ठीक है ना। मेरा काम है सिर्फ आपको अवेयर करना जो मेरे साथ हुआ, जो मेरा आपने हाल देखा मेरे, शुरू से जो वीडियो देख रहे हैं, शुरू से जो आखिर तक वीडियो आप तक देखिए, जिसने जो मेरा शुरू से व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं पूरी वीडियो मेरी, उनको मालूम है कि मेरा पहले हाल कैसा था और अब क्या है, ठीक है ना। मेरा 70% रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इतने में खुश हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बाल जो है नहीं था, यहाँ पर पूरा सर्कल पे बाल नहीं था, लेकिन अभी बहुत है। तो कोई बात नहीं, इतना आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके लिए मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसको मैंने फिर खरीदना भी नहीं, अभी न्यू ईयर लोशन को मैं खरीदना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है ना। काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं कि भैया आपने तो यूज़ किया, हमने यूज़ किया 4-5 महीना 6 महीना, लेकिन बाल फिर वापस से गिर गया। लेकिन मैंने प्रूफ दिखाया आपको, शैम्पू करके भी दिखाया, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी बाल मेरा नहीं गिरता है, जो है 3-4 महीने से तकरीबन इतने ही बाल हैं मेरे और एक भी बाल नहीं गिरता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, मेरा काम है आपको अवेयर करना कि आपके बाल अगर आ चुके हैं तो किस तरह से आप उनको बचा के रख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोकोनट ऑयल है आप देख रहे हैं, इसका यूज़ करिए, और ये कैस्टर ऑयल है इसका यूज़ करिए आप, और एक तेल और आता है बना बनाया, उसको भी मेडिकल से आप ले सकते हैं, जिसके अंदर 3-4 तेल होते हैं मिक्स। तो उसमें मेरा काम आपको अवेयर करना है, ना कि आपको बेड कमेंट्स करके आपको हेट कमेंट करते हो, तो उससे आप दिल दिक्कत होती है मेरा, आपकी स्केल पे बाल जा रहे हैं आपके, यहाँ जो ये है बाल्डनेस बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 8 यहाँ 10 तक ये बाल्डनेस होता है, जो कि मेरा जो था वो 7 था, यहाँ से पूरा जो है बाल्डनेस है ये खत्म हो गया था मेरा, ये पूरा स्केल जो है ना यहाँ से खाली था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा भरा हुआ दिखता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल भी बाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मैं उसमें जितना भी है मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अभी। तो मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैंने सारी टिप्स आपको बता रखे हैं कि आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको अवेयर करना बस, ठीक है ना। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ अभी फिलहाल, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे भी रिजल्ट आएगा। जो कि काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं कि जी हमारे बाल चले गए, तो मैंने वीडियो में बता रखा है सारा कि आपके बाल क्यों जा रहे हैं और आपको क्या डाइट पर ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरा, कि काफ़ी लोगों को हेट कमेंट करते हैं कि भाई ये आपके आपने तो इस तरह बोला, आपने अपने बाल तो आए नहीं आपके, दूसरों को आप बताते हो। तो जो डॉक्टर होता है ना, उसके कोई चोट लग जाती, कोई बड़ी बीमारी हो जाती ना, तो खुद का ऑपरेशन नहीं करता, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वही ऑपरेशन करता है उसका। इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही छोड़ दे, ठीक है ना, क्योंकि तजर्बे से आदमी जो है ना डॉक्टर बनता है, तजर्बे से ही उसको पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेता है मेडिकल कॉलेज में जाकर, तब वो अपने मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद फिर वो दुकान खोलता है अपनी, ठीक है ना। तो इस बात को छोड़ दो आप कि आपके बाल तो नहीं है, मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह से आप अपने बालों का बचाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे और टिप्स आपको। अस्सलाम वालेकुम।